जनपद कासगंज के थाना अमापुर में एक युवक को सोशल मीडिया पर जिंदा दफनाने की धमकी मिली थी, जिसको लेकर कासगंज पुलिस ने धमकी देने वाले युवक समीर सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते दिन दुष्यंत नाम के युवक ने थाना अमापुर पहुंचकर तहरीर दी कि सोशल साइट इंस्टाग्राम पर समीर सिद्दीकी के अकाउंट से धमकी मिली कि जिंदा दफनाया जाएगा। उक्त युवक ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तथा पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया। देखिए, दिनांक 27/7/2022 को हमारे थाना अमापुर में एक दुष्यंत कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति आया था और उन्होंने एक तहरीर दी है कि एक समीर सिद्दीकी नामक व्यक्ति जो है सोशल मीडिया मेनली इंस्टाग्राम पर कुछ भड़काऊ मैसेज डालते हुए और उनको धमकी दे रहा है। पुलिस मतलब इसमें ये उन्होंने ये लिखा है कि दुष्यंत कुमार आपको जिंदा दफनाया जाएगा। तो उसी को अब राष्ट्रीय स्तर पे जो माहौल को देखते हुए और प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए हमने तुरंत एक्शन लिया और इसको इस पर हमने दो अलग अलग टीम गठित की है और आज दिनांक 28/7/2022 को करीब 9 बजे हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के सामने इनको प्रेषित भी करेंगे। इसमें हम लोगों ने 507, 505, 2 IPC और 60CCIT एक्ट भी लगाया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।